जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी खुशखबरी दी है। दोस्तों बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ने एक अपराधी के मामले का निपटारा करते हुए अहम टिप्पणी की। अदालत ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि संवैधानिक न्यायालय को समयबद्ध कार्यक्रम तय करने से बचना चाहिए। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने कहा, जब तक हालात असाधारण न हो, एक निश्चित समय के अंदर किसी भी अदालत के समक्ष मामलों के निपटारे के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तय करने से बचना चाहिए। एक आपराधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी में कहा कि देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय और विशेष रूप से बड़े न्यायालयों में बड़ी संख्या में जमानत याचिकाएं दायर की जाती हैं, इसलिए ऐसी याचिकाओं के निपटारे में कुछ देरी अपरिहार्य है, इसे हमेशा टाला नहीं जा सकता। न्यायमूर्तियों का और जस्टिस मित्तल की पीठ ने कहा, लंबित मामलों की संख्या देते हुए हमारा विचार है कि देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय और प्रत्येक अदालत में बड़ी संख्या में लंबित मामले हैं। ऐसे में जब तक की स्थिति असाधारण ना हो, संवैधानिक न्यायालय को किसी भी अदालत के समक्ष किसी भी मामले के निपटान के लिए कार्यक्रम तय करने के प्रलोभन से बचना चाहिए। शीर्ष अदालत शेख उजमा फिरोज हुसैन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र उच्च न्यायालय को समयबद्ध तरीके से उनकी जमानत याचिका पर फैसला करने का निर्देश देने की मांग की थी।